नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पराशर। विधानसभा में जब जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं तो उम्मीद की जाती है कि वो अपने क्षेत्र की समस्या, क्षेत्र के लोगों की बातें, क्षेत्र के लोगों की इच्छाएं सदन में रखेंगे। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो ये आई है कि विधायक अपने क्षेत्र के प्रश्नों तक को विधानसभा में नहीं उठा पाते। और बहुत सारे विधायक तो ऐसे हैं जो इस पूरे सत्र के दौरान गूंगे बने रहे, यानी एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। तो आखिर जो जनता चुनकर भेजती है, जिसकी उम्मीदों पर वो वोट डालकर उन्हें सदन तक पहुंचाती है, आखिर वो जनता अपने आप को ठगी सी महसूस करती है। हमारी आज की चर्चा में हमारा यही विषय है कि आखिर हमारे माननीय विधायक मौन क्यों रहते हैं। और इस चर्चा में जो लोग मेरे साथ लगातार बने रहेंगे, मैं उनका यहाँ पर परिचय कराऊंगा। हमारे साथ मधु शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। अर्चना शर्मा जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से। हमारे साथ भंवर सिंह जी हैं CPIM से। विष्णु कुलवाल जी हैं बहुजन समाज पार्टी से। हमारे साथ महेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। PC भंडारी साहब हैं, आप आम आदमी पार्टी से। सत्यनारायण सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शालिनी चतुर्वेदी जी हैं, प्रोफेसर हैं। और JP शर्मा जी हैं। इसके अलावा बाकी सारे लोग भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले महेश जी, शुरुआत आपके साथ ही करेंगे। इस बार की अगर हम बात की जाए, इस सत्र की भी अगर बात की जाए, लगभग अगर विधायकों का आंकड़ा देखें तो बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो लगभग चुप ही रहे पूरे सदन में, जिसमें से खासकर जो है जैसे अशोक गहलोत जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अशोक परनामी जी हैं और कई ऐसे हैं जो विधायक, करीब करीब 7-8 विधायक ऐसे नहीं, ये आंकड़ा 12 तक पहुंच गया है। 12 लोग तो ऐसे थे जो बिल्कुल एक शब्द जिन्होंने नहीं बोला जी। तो स्थिति ये होती है कि आखिर विधानसभा का जो जिस पर्पज से बनाई गई है, जो इसका मकसद है, हम उसके प्रति न्याय नहीं कर पा रहे, न जनता के प्रति करवा पा रहे हैं और न ही हम विधायिका के प्रति अपना पूरा दायित्व निभा पा रहे हैं। सत्यनारायण सिंह जी, आखिर समस्या क्या है अब? क्योंकि चुनकर तो हम इसीलिए भेजते हैं ना कि हमारे सवाल उठाएं। बड़ी फहरिस्त है, पक्ष विपक्ष के इतने बड़े बड़े नाम हैं जो सदन से बचते रहते हैं। देखिए, जैसा माननीय महेश जी ने कहा, नाम गिनाए, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जो बड़े नेता हैं वो पूरी पार्टी को गाइड करते हैं और पूरे सदन में चुप रहते हैं। नहीं, चुप रहने का प्रश्न नहीं, बेमतलब बोलने से तो कोई अर्थ नहीं है, मगर उनका पूरा प्रभाव सदन के ऊपर रहता है, अपने दल के MLAs पर रहता है और वो पूरी तरह दिलचस्पी लेकर के उनको सुझाते रहते हैं किस किस विषय पर बोलना है। अगर विपक्ष के हैं तो सत्ता पक्ष को किस ढंग से कंट्रोल, उस पर आक्रमण करना है, किस प्रकार अपने जो विधायक हैं उनको गाइड करना है, ये बातें रहती है। राजनेताओं से, मंत्रियों से, अधिकारियों से, इन सब से मेलजोल रहता है और अब उनके पार्टी के जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ कहने में भी उनको विप के तहत जो है ना डर लगता है। तो दूसरा, अच्छा, उनको डर की बात की, आप कर रहे हैं, आपकी बात से एक से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं नाम जरा गिना देता हूँ, नाम 12 लोगों के गिना देता हूँ। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री, एक शब्द नहीं बोले। विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस, एक शब्द नहीं बोले। जीतमल खांट, सुरेश सिंह रावत, भैरोलाल सियोद, लादूराम बिश्नोई, डॉक्टर विश्वनाथ, सुंदरलाल, सिद्धि कुमारी, बालूराम चौधरी, प्रेम सिंह बाजोर और जगत सिंह। देखिए, अशोक गहलोत जी तो ये नाम ऐसे हैं कि अशोक गहलोत जी तो, और ये तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे बोले हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं पाते हैं या बोले नहीं। प्रश्न ये है, सत्र में नहीं बोले। हाँ, इस सत्र में इसलिए नहीं बोले, अब उनको आसाम और वेस्ट बंगाल और सारे जाना भी पड़ता है, पूरी पार्टी का भी देखना पड़ता है और वो गाइड करते हैं और दूसरे लोग बोलते हैं उसमें। आप एक पहले इनका जरा बोलने दीजिए, एक बार मैं आता हूँ आप लोगों के पास। इसलिए मैंने जो आपको बताया, उन MLAs की बात करिए जो मंत्रियों से मिल जाते हैं, पार्टी के, BJP के ही बात करिए आप, जो अफसरों से मिल जाते हैं, बात कर रहा हूं। जिनको अपने क्षेत्र से कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए, लेकिन एक, एक, एक मिनट आपको रोक रहा हूं। जिनको प्रांत से कोई मतलब बात नहीं। आपने की, आपको रोक रहा हूं। मैं भंडारी साहब आपके पास आ रहा हूं। ये आंकड़ा 12-13 लोगों का आंकड़ा को छोड़ता हूं, 90% विधायकों का आंकड़ा है जिन्होंने क्षेत्र के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है। क्षेत्र के मुद्दे पर, उस क्षेत्र के मुद्दे पर जिस क्षेत्र की जनता ने उनको चुनकर भेजा है। देखिए, जो विधायक हैं वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, उनका कर्तव्य यह है कि जो क्षेत्रीय समस्याएं हों वो जाकर के वहाँ उठाएं। लेकिन वहाँ क्या है, वो पार्टी से बंधे हुए होते हैं, पार्टी के खिलाफ बोलना चाहते नहीं हैं। विपक्ष में जो बैठते हैं उनका काम होता है कि उनकी कमियाँ निकालें,
लेकिन विपक्ष बहुत कमज़ोर है और इतना कमज़ोर है कि शायद वो भी इनके प्रभाव के अंदर है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आप चुन के जाते हैं, अगर जनता के रियल प्रतिनिधि जब तो आप सवाल उठाएंगे। सवाल ये जो टिकट का चयन होता है वो जनता की सेवा के आधार पर नहीं होता है, तो जो टिकट उनको देता है उसको देखते हुए ही उसको प्रश्न पूछना है ना ही पूछना है, ये काम वो करते हैं। तो जो विधायक हैं, मुझे तो जनता पर लगता है कि कम से कम ऐसे पढ़े लिखे विधायक भेजें। बहुत से विधायक तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं है। आपने जो कहा बहुत सारे ऐसे, मधु जी आपके पास आ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा नए विधायक आपके खेमे में, लेकिन अगर विधानसभा के किसी सत्र को देख लो, उन बेचारे नए विधायकों के पास मेज थपथपाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। कभी कभी कोई नया विधायक को तैयारी करके सदन में बुलाया गया हो, किसी विषय को उठवाया गया हो, ये कुछ सत्रों में महेश जी भी देख रहे हैं, हम भी विधानसभा देखते हैं, हमको नज़र नहीं आता। देखिए मैं आपको बताऊं कि कोई भी विधायक एक जनप्रतिनिधि के रूप में प्रशासन और जनता के बीच में एक सेतु का काम करता है, और उन सब कामों को लेते हुए जो विधायक वहाँ पर विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी विधायक ने, नए विधायकों ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई या किसी ने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे, और जो भी समस्या अपने क्षेत्र की थी, सरकार के जितने भी विधायक थे उन्होंने अपनी समस्याओं को भी, आप लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा, पत्राचार के माध्यम से भी आपको जानकारी मिली होगी कि किस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद की है, किंतु विपक्ष इतना कमज़ोर है कि उसने कोई भी किसी तरीके का, क्योंकि सरकार ने इतना अच्छा काम पूरे राजस्थान के अंदर कर लिया कि विपक्ष को कुछ कहने के लिए नहीं है। मधु जी आपके विधायक हैं, 7 विधायकों में से 5 आपके हैं, जिन्होंने सवाल लगाया लेकिन बोले ही नहीं। सवाल लगाया किंतु उन सवालों के समस्या का समाधान हुआ इसलिए वो नहीं बोले। अच्छा क्षेत्र, अच्छा समस्याओं का समाधान हो गया। चलिए सीधे यहाँ पर आता हूँ शर्मा जी, जेपी शर्मा जी के पास। शर्मा जी दिक्कत ये है कि अब अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते नहीं है। सदन में अगर विषयों पर चर्चा होती है तो उस विषयों की चर्चा में भी सहभागिता रहती है। ऐसा आशीष जी, मुख्य जो समस्या वो ये है कि जो विधायक चुन करके आते हैं वो किन आधारों पर चुने जाते हैं, कैसे टिकट दी जाती है, उनका बेसिक ओरिएंटेशन होता है नहीं, उनका प्रशिक्षण हो नहीं पाता है, उन इश्यूज़ पे वो बोल नहीं सकते, उनका ऐसा आर्टिकुलेशन नहीं है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स से साहब विधानसभा में बैठते हैं तो वो क्या बोलेंगे। इन लोगों के अभी पार्टी स्तर पर भी प्रशिक्षण होना चाहिए, उनको बोलने की आदत होनी चाहिए, जनता की क्या क्या समस्याएँ उनको समझना चाहिए ताकि वो अपने विधानसभा में अपनी बातों को रख सकें। लेकिन हालत तो ये है अर्चना जी कि पूरी विधानसभा सत्र की अगर आप कार्रवाई को देखो तो चंद विधायकों की छीटाकशी और चुलेबाजी, अब लगता है कि शायद पूरी विधानसभा इसमें सिमट गई है। देखिए आशीष जी, यदि इस विधानसभा की कार्रवाई पर गौर करें तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष में जितना आक्रोश था एक दूसरे के प्रति, और जिस प्रकार से सत्ता के लोगों ने अपनी सरकार को घेरने का काम किया वो देखने को बहुत ज़्यादा मिला, और मीडिया भी साक्षी, सारे समाचार पत्र हमने देखा कि इन्हीं के वरिष्ठ विधायक हैं उन्होंने किस प्रकार से कार्रवाई चलती है, कितनी गंभीरता सरकार इसमें बरतती है उसको इंगित भी किया। ये ठीक बात है कि 12 विधायकों की सूची आज हमने भी देखी जो बिल्कुल मौन रहे, और ऐसी अवस्था में जिन वरिष्ठों की बात है उसमें तो मैं भी सत्यनारायण सिंह जी की बात से बिल्कुल संतुष्ट भी हूँ कि उनका इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव रहता है, उनके पास विभिन्न मंच होते हैं जिसके माध्यम से सरकार को वो कटघरे में खड़ा करते हैं, उसी बात को लेकर उसी मंच से वो उठाएं वो औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता। और दूसरी बात, और जब सदन की नेता अगर गैर हाजिर है तो सवाल उठा देते हैं जी, लेकिन अगर सदन में पूर्व नेता या एक तरह पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बोले तो क्या उसके क्षेत्र की जनता अपेक्षा नहीं करती। देखिए राजनीति में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब आप बहुत समय से राजनीति करते हैं आपकी भूमिकाओं में परिवर्तन होता है। परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि आप एक वरिष्ठ नेता के रूप में स्थापित हैं, आपने पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर संभाली सत्ता को, और उसके बाद विपक्ष में भी आप रहे। इस समय उन लोगों को अवसर देने की आवश्यकता है जिनकी ही हमें लीडरशिप की ग्रूमिंग करनी है। हमारे पास नेता प्रतिपक्ष भी, लेकिन दिक्कत हमारे पास लीडरशिप की ग्रूमिंग भी नहीं हो रही। नहीं देखिए ये जो नए लोग चुनकर आ रहे हैं वो भी नहीं बोल रहे। मैं बाकी नाम बताता हूँ, बहुत सारे कांग्रेस वाले विधायक भी हैं जिन्होंने सवाल लगाए गायब हो गए, जिन्होंने सवाल पर प्रश्न तक नहीं पूछे, और इन 12 जो नाम गिनाए हैं इनमें कांग्रेस के लोग भी हैं। लेकिन आप कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, बात मैं आपकी बात बिल्कुल, आखिर जनता क्या चाहती है। देखिए जनता की आकांक्षा तो सचमुच में यही होती है कि उनका जो जनप्रतिनिधि है वो जब विधानसभा चले उसमें उन मांगों को रखे, उन बातों पर चर्चा करवाए जिसकी जनता को सरोकार है और जनता जिसके समाधान की आकांक्षी भी होती है। चलिए एक मिनट रुकूंगा मैं जी आपके पास आ रहा हूँ, इसलिए आ रहा हूँ कि कुछ यादें आपके जहन में होंगी।
क्योंकि दो बातें मेरे पास आई हैं कि कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, वरिष्ठ हो जाते हैं तो बोलते नहीं हैं। विधानसभा में बहुत वरिष्ठ लोगों को भी देखा होगा इसी विधानसभा में बैठ के, क्या अंतिम समय तक सवाल उठाते थे या चुप हो जाते थे? कुछ कुछ उदाहरण भी होंगे। जहाँ तक है कि बहुत से मतलब वरिष्ठ जो विधायक रहे हैं, जो प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत का नाम से मतलब जैसे ही वो किसी भी सदन में बोला करते थे तो एक पूरा पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ करता था। इसी तरह से आपके जो दीपेंद्र सिंह शेखावत भी हैं, वो भी एक अच्छे मतलब ऑरेटर थे और उन्होंने भी अच्छा मतलब कभी जब भी बहस का एक मुद्दा लिया उन्होंने भाग अच्छा उसमें भाग लिया। इसके अलावा सीपी जोशी भी एक अच्छे ऑरेटर रहे हैं और उन्होंने अच्छे मुद्दों पे भी मतलब बहस की है और उसमें मज़ा भी आता था। यहाँ तक कि परशुराम मदेरणा जो हैं विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, दिवंगत हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है। पूनम चंद विष्णोई जी जिन्होंने न केवल मतलब परफॉर्मेंस दी बल्कि उन्होंने उसका आसन का जो है अध्यक्ष पद के भी भूमिका को बहुत बढ़िया तरीके से कुशलता से मतलब प्रदर्शित किया, वो अपने आप में एक अनुकरणीय है। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मौजूदा विधानसभा में जो है जितने भी जो 200 सदस्य हैं, और बड़ी चीज़ है मैं जी, ऐसा नहीं लगता जब आपके पास संख्या बल कम हो तो कमान संभालनी पड़ती है? नहीं, इसके बाद में भी अभी ऐसी बात नहीं, कांग्रेस का भी उदाहरण लें तो कांग्रेस में आपको रमेश मीणा हैं, आपके गोविंद सिंह डोटासरा हैं, ये अच्छी तरह से मतलब बांध के रखते हैं मतलब अपने वजूद में मतलब पूरी तरह से पक्ष को और उस मुद्दे को मतलब अपने जैसा उनको घुमाना है उस तरह से वो घुमाते हैं। आपने जो मैं अर्चना जी इसलिए कह रहा था कि एक बार कुछ उदाहरण भी हमारे सामने आए, एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा और कुछ बहुत सारे लोग अपनी बात भी कहना चाह रहे हैं उनके पास चलूंगा। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।